आदाब मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर हिंसा मामले में 1300 लोगों पर एफआईआर, अब तक 67 गिरफ्तार। 20 घंटे बाद बहाल हुआ इंटरनेट। आज है सिद्धू कान्हू की जयंती। सीएम सोरेन ने भोगनाडी में झारखंड के वीर सपूत को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा, पाकुड़ पहुंची आलमगीर आलम। कांग्रेस के दिग्गज नेता बादल पत्रलेख हुए शामिल। झारखंड में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य संसाधनों को दुरुस्त रखने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों संथाल दौरे पर रहे, इस दौरान सोमवार को उन्होंने गोड्डा को 242 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने लोगों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे तो राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि उसे मुफ्त अनाज लेने की कभी जरूरत ही ना पड़े। इस दिशा में कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का मकसद आपको समृद्ध और खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चे बच्चियों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही। कई चीजें हैं जो आज यहाँ काफी अच्छी चीजें देखने को मिली कि लोग पशुपालन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, मुर्गी पालन में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार के रास्ते पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी कल ही परसों लगभग हम 300 से अधिक डॉक्टरों का बहाली, अनेकों बहाली निकलने वाली है। हाँ, ये बात थोड़ा सा जरूर है कि इसमें विलंब हुआ। विलंब हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं उन लोगों के अड़चन के वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन ये अब पूरा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियां जिनको नौकरी में जाना है तो नौकरी में जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है उसको। आज सिद्धू कान्हू की जयंती है, इसे लेकर भोगनाडी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम सोरेन भी कार्यक्रम में पहुंचे, सभा को संबोधित भी किया और परिसंपत्ति भी वितरित की। इस कार्यक्रम को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा सीएम सोरेन ने ट्वीट कर लिखा, हुल क्रांति के महानायक, झारखंडी माटी के वीर सपूत, अमर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती पर शत शत नमन। आजसू पार्टी ने जामताड़ा के शीतल कुटीर में संथाल हुल के जननायक वीर सिद्धू कान्हू का जन्मोत्सव मनाया। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना प्रभारी तरुण गुप्ता के नेतृत्व में आजसू नेता और कार्यकर्ताओं ने वीर सपूत सिद्धू कान्हू की फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने संथाली गीत भी प्रस्तुत किए। इसके उपरांत आजसू कार्यकर्ताओं ने शीतल कुटीर से रैली निकाली और गांधी मैदान स्थित वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज 11 अप्रैल हम संथाल वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इस संथाल में भोगनाडी में सिद्धू कान्हू चांद भैरव, जो वहाँ पर भोगनाडी में जिनका जन्म हुआ था, इसी सिद्धू कान्हू ने हुल आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और 30 तारीख को जब अंग्रेजों ने यहाँ पर जुल्म ढाने का काम किया था और 3 संथाल महिलाओं का जब अपहरण कर लिया था, उस समय इसी सिद्धू कान्हू ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके और
अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। ऐसे जननायक हम लोगों के जनप्रिय और इस संथाल हुत के जननायक हमारे सिदो कान्हू का आज जन्म उत्सव है। आज परम सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि आज इतने युवा पीढ़ी भी और महिलाएं लोग भी और आदिवासी समाज मूलवासी सभी लोगों के लिए ये जननायक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जामताड़ा के रघुनाथपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 360 रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें सड़क में हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर और जेब्रा क्रॉसिंग में सड़क पार करना और वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, इस तरह की बातें बच्चों को बताई गई। आज हमारे स्कूल में जो है 360 डिग्री रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाई गई। इसमें जो है कि सभी बच्चे को सड़क सुरक्षा में क्या क्या नियम होना चाहिए, कैसे हम सड़क को पार करेंगे, उसके द्वारा जो है कि आप लोगों के द्वारा जो है बहुत अच्छा सराहनीय रूप से काम किया गया और समझाया भी गया बहुत अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि बच्चे जागरूक होंगे। रुबेला टीकाकरण अभियान को लेकर शहरी गिरिडीह क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली को शहर के झंडा मैदान से गिरिडीह डीसी अमन प्रियश लखड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में कई स्कूलों और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल रहे। इस दौरान लोगों ने लोगों को जागरूक किया। भ्रांति के बिना ही किसी कंफ्यूजन के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि जो भी टारगेट पॉपुलेशन जो हमने बताया 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो लोग हमारे निकटतम जो भी आंगनबाड़ी है हमारे स्कूल से वहाँ पे आए। हम लोग अपने तमाम जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी कर्मी और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनसे भी ये अपील करते हैं कि चूँकि एक ये एक महीने का कार्यक्रम है इसमें सभी अपने पूरे ऊर्जा से और पूरे अपने डेडिकेशन से इसमें काम करें। कि पूर्व में मैंने बताया कि गिरिडीह अनफॉर्चुनेटली बाकी जिलों और राज्यों की तुलना में एमआर मीज़ल्स रूबेला में ज़्यादा ग्रसित रहा है। झारखंड की लोहनगरी जमशेदपुर शहर के कदमा शास्त्री नगर में महावीरी झंडा के रस्सी से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद शुरू हुआ दो समुदायों में विवाद के बाद हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को लेकर दोनों पक्षों के 119 लोगों को जमशेदपुर पुलिस के द्वारा नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 1300 अज्ञातों को आरोपी बनाया गया है। अब तक पुलिस के द्वारा 67 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ हरवे हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और फायरिंग करने को लेकर FIR दर्ज की गई है। वहीं 20 घंटे बाद अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। झारखंड में बढ़ते कोविड मामलों को लेकर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियश लखड़ा ने सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य संसाधनों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। मौके पर सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, DPRO रश्मि सिन्हा, DPM प्रतिमा कुमारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने ऑक्सीजन बेड समेत फंक्शन को चेक कर दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम, मतलब हमारे जो 13 प्रखंडों में CHC है वहाँ पे और सदर में सदर अस्पताल और एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बनमुरिया का जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे भी किया है और आज हम लोग ये 14 जगह कोविड का मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ये मॉक ड्रिल का हम लोगों का उद्देश्य मुख्य यह है कि हमारे लगभग 1000 से लेकर 1100 अलग अलग प्रकार के बेड्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड बेड्स हों, चाहे वो PSA प्लांट से डायरेक्टली कनेक्टेड हों, B-type सिलेंडर से कनेक्टेड हों, कहीं वेंटिलेटर्स हमारे लगे हुए हैं, तो उसके फंक्शनिंग को हम लोगों को चेक करना है। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा पाकुड़ पहुंची, जहां पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बगान में कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।
कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस के दिग्गज नेता बादल पत्रलेख में शामिल हुए। प्रकार से पूरे देश को मुख्य मुद्दों से हटाकर भ्रमित कर और जिस प्रचार माध्यम आज मैं बात कर रहा हूँ, ये सही जो बात है, सही को सही और गलत को गलत कहने की जो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आज जो प्रचार माध्यम की भी हमारे लोकतंत्र के अंदर में, चाहे जो भी पड़ा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ भी लोगों की समस्या खुलकर बतलाने की विपक्ष की जो भूमिका है उसका सम्मान करने की बात है। इन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों की जनता तक की, जनता की आवाज़ वहाँ पहुँचाने की प्रक्रिया होती है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो है उन्हें पंग कर दिया गया। किशनगंज जातिगत जनगणना को लेकर सिख समुदाय के लोगों में अब काफी आक्रोश देखा जा रहा है और अपनी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। बता दें कि जातिगत जनगणना में बड़ी त्रुटि उजागर हुई है। दरअसल जातिगत जनगणना के आधार पर जो जनगणना होने वाली है उसमें अलग अलग जातियों के अलग अलग कोड दिए गए हैं, लेकिन इसमें सिखों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिखों का कहना है कि जातिगत जनगणना में सिखों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। करीब पिछले अगर 8-10 साल की बात कर ली जाए तो मतलब जब हम लोगों ने लगातार सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि पूरे देश भर में सिखों को जो है वो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, मगर दुर्भाग्य है कि बिहार के अंदर सिखों को अब तक अल्पसंख्यक दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया। और जब हमें अब अल्पसंख्यक प्राप्त नहीं है तो उसका कोई लाभ भी जो है ना हमें किसी हमारे नौजवान पीढ़ियों को। आरा भोजपुर के जगदीशपुर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जगदीशपुर द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले का सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में प्रसाद मार्केट में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष आदित्य कुमार ने की और संचालन कुमार पूर्णेंदु ने किया। सभी वक्ताओं ने ज्योतिबा फूले के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। ज्योतिबा फूले स्त्री और पुरुष का भेदभाव उन्होंने खत्म किया। आपको बता दें, समाज में फैली कुरूतियों को खत्म करने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित वर्मा मोड़ के समीप फल और सब्जी मंडी में एक करके सिलेंडर फटने लगे और भयानक आग लग गई। सिलेंडर फटने से बोधगया सब्जी मार्केट के तकरीबन 120 से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। भागलपुर नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ के साहू पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो और हाईवा गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक एएसआई सतीश सिंह की मौत हो गई है। सभी पुलिस के जवान सीतामढ़ी से कैदी को सेंट्रल जेल छोड़कर वापस सीतामढ़ी जा रहे थे। कौन गाड़ी आके ठोका है? कौन सा आगे से ठोका है, पीछे से ठोका गाड़ी से? हम लोग का ही उसी में जाके लगा है। कितने पुलिस कर्मी थे उसका गाड़ी पे? हम 5-6 थे। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग जेल सुभाषैनी से आ रहे थे। सुभाषैनी से? हाँ। आए थे कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। हाँ। किन्हीं की डेट हुई है ये हमको? सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में तपतपी धूप में छाता लगाए मसदी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार विंद ने अंचल के अमीन के द्वारा एक ही खाता और खसरा का अलग अलग रिपोर्ट देने पर वो धरने पर बैठ गए, घंटों प्रदर्शन किया और अंचलाधिकारी रवि कुमार ने इस पर कहा कि जो भी शिकायत लिखित आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव के समीप एके गोपालन कॉलेज के द्वारा पास गांव के दबंगों द्वारा हथियार के बल पर एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट करने का एक मामला अब सामने आया है। इस मामले में पीड़ित दुकानदार एतवारी शाह ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि गाँव के दबंग अमर शाह, प्रिंस कुमार शाह दोनों के पिता देवन शाह, विजय शाह, सचिन राम और प्रेमजीत कुमार, इसी तरह धर्मेंद्र पासवान और देवन पासवान के द्वारा
हथियार दिखाते हुए दुकान को तोड़फोड़ किया गया। दुकान में रखे सभी सामान को टेम्पो में सवार कर लौट कर फरार हो गए। दुकान को लूट लिया और जा कहाँ टेम्पो पे लाद के चला गया। और क्या किया? और वो गोली से धमका के और शरीर पे गोली चला दी। गोली चलाया? हाँ। कब हुआ? आज पहले भी चलाया था दो मरता। भागलपुर के नगर परिषद सुल्तानगंज में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तपी धूप को देखते हुए नगर परिषद के जनता और नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए आरओ चिल्ड वाटर लगाया गया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन उपसभापति नीलम देवी और बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के द्वारा फीता काट कर किया गया। बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से आर ओ का कैंट लगा है कर्मचारी पीने के लिए और जनता को पीने के लिए। एक कैंट समर्पित किया है नगर परिषद ने। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, बैंक ऑफ इंडिया वाले को। और आप यदि भागलपुर में हैं और अब आपने सिग्नल तोड़ने का प्रयास किया, ऑटोमेटिक चालान आपका कट सकता है। रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब आप नहीं बच पाएंगे। चालान कटने के 3 मिनट के भीतर आपके मोबाइल पर इसका मैसेज भी आ जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यातायात नियमों के इस नए स्वरूप में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। कि स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का जो है वो निर्माण होना है। विभिन्न कारणों से जो है कई कोर्ट केसेज और भी कई कारण है जिसके कारण कि इसकी प्रगति जो है धीमी रही, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से काफ़ी तेज़ गति से इसमें काम चल रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर, आपका सीसीटीवी कैमरा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके इंस्टॉलेशन का काम और बिल्डिंग का काम सब पैरेलली चल रहा है और बहुत तेज़ गति से अब इसमें काम हो रहा है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरे लगने हैं और उसमें बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ है। उसको जूम करके एक एक गाड़ी के नंबर को देखा जा सकता है, कहीं कोई घटना होती है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है। तो ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा जो सामान्य जो हम लोगों का डे टू डे जो प्रशासन काम होता है उसमें काफ़ी। भागलपुर के नवगछिया में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी इस पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रही। नवगछिया पुलिस ने महज 4 घंटों में लूटकांड की घटना का उद्भेदन कर दिया। आपको बता दें कि बीते रविवार की देर रात्रि करीब 2:15 बजे NH 31 पर एक पिकअप चालक से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नवगछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे में मामले का उद्भेदन कर दिया, आरोपियों को गिरफ्तार कर। 30 साल का वारंटी, स्थायी वारंटी कार्य चौधरी को उर्फ रविंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। यह 2 मर्डर केस में नामजद अभियुक्त था और इसके साथ साथ आमशेर सहित 9 कांडों में 9 पुलिस पे दर्ज थे। यह बीपुर थाना द्वारा एक बड़ी उपलब्धि है। और भागलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक रखी गई। ये बैठक भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। आज के इस मासिक कार्यक्रम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना रहा। इस क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार कर रहे थे। उनके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, DSP ट्रैफिक, DSP SSP और कई थानों के थाना अध्यक्ष शामिल रहे। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में 7वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन कल किया जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल, कृषि मंत्री, कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक शामिल रहेंगे। 11 बजे राज्यपाल का हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। लगभग हमारी सारी तैयारी आज शाम तक पूरी हो जाएगी और आप खुद स्वयं दे सकते हैं कि पहली बार हम लोगों ने शायद
एक हाल में अरेंजमेंट किया है, जिसके पहले हम लोग बाहर करते थे। तो इस हाल में अरेंजमेंट जो मैं देख रहा हूँ, करीब 70% तैयारी हो चुकी है, बाकी जो बचा है वो शाम तक हम लोग कर। क्या कुछ सर खास रहेगा इस बार? इस बार बताया मैंने कि जो दीक्षांत समारोह का दो खास बात है, एक तो स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और वो कुछ हमारी पूरी गतिविधियों को देखेंगे, दूसरा हम जल संरक्षण। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर हिंसा मामले में 1300 लोगों पर FIR, अब तक 67 गिरफ्तार, 20 घंटे बाद बहाल हुआ इंटरनेट। आसिफ दो खानों की जयंती, सीएम सोरेन ने भोगनाडी में झारखंड के वीर सपूत को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा पाकुड़ पहुंची, मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस के दिग्गज नेता बादल पत्र ले हुए शाम। झारखंड में बढ़ते कोविड मामले को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल में मॉकड्रिल, स्वास्थ्य संसाधनों को दुरुस्त रखने का निर्देश। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज आदाब।